अब आपके सामने थोड़ी देर के लिए ज़ाकरे अहले बैत जनाब सैयद सकलैन अब्बास शाह साहब और उनके बाद मुल्क के नामवर हस्ती उस्ताद उज़ाकरीन जनाब मलिक गुलाम जाफर तैयार साहब खिताब फरमाएंगे। बावाज़े बुलंद सलावात। सलातो सलाम अला अखीही व वसीही व वज़ीरही व खलीफतही व वारिस इल्मही इल्मिल्लवलीन वलकरीन अली वली दिजाते सलावात। अस्सलातो वसलाम अला सैयदतिल जलीलात مخدومة المحرومان حق میراث ابیہا آئیے نسل مکا
शाम दे विच बिल्कुल इंतजार नहीं कराना। मोहम्मद वाले मोहम्मद का एहसान है जो चंद बजुर्ग साढ़े दरम्यान तशरीफ फरमाए। आइए नस्ल मुका के शाम दे विच यही मुसाहिबे कौन जिंदी बन विच चादर ले गई आए मैं सद गया हूं अगों समझ मुकान बिरावां दी पत्थरां दी बारिश ले भी मैं सदके अगों समझ मुकान बिरावां दी पत्थरां दी बारिश ले पई होया क्या अखां वस पईआं मेरी सैण दियां बीबियां ले पासे वेख के पिया दिए मूंह वाला नाल लुकाओ माया मैं सदके मैं बिस्मिल्लाह करां अगों थोड़ी मंजल रह गई कितनी थोड़ी ओ कई मील ताई शाजी कई मील ताई दो जानू थी के रये टुर दी जहरा मैं बिस्मिल्लाह यो हक कई मौला तोड़ा टुर है कबूल फरमावे दिन रोमन दिन कोई फजूल गल नहीं की थी मैं बिस्मिल्लाह करा मौला तोड़ियां सो कबूल फरमावे इंतजार नहीं कराया। आज गल एक दुख मेरे हिस्से आए तो मैं पहले भी दो चार दफा तिलावत किए मेरा इलाका है दुआ वास्ते फिर तिलावत करदा अजी रिवायत तो शुरू करदा तुसी कदीमी अदादार हो तुहाडे बुजुर्गां इस मिशन नूं जिंदगी दित्ती है त्रै दरबार अली दियां धीआं नूं पेश आए सारियां हाय नहीं कीती गल हाय करन अली आई कितने दरबार त्रै दरबार पहला दरबार कूफा दा दरबार दूसरा दरबार भाईजान अस्कलान दा दरबार तीसरा दरबार शाम दा दरबार तफसील नाल पढ़ा तो लंबा हो जाएगा एक एक दुख दस्तां पहला दरबार कूफे दा दरबार इत्थे अली दियां धीआं नूं बड़ी तकलीफ होई आ मैं सदके बुजुर्ग जान दिन ते उहनां दी आए निकली है जे कोई नहीं समझ सकिया तो मैं दस देना इत्थे इस वास्ते मैं सदके इत्थे इस वास्ते तकलीफ होई जो थोड़ा अरसा पहले इत्थे रसूल दियां धीआं शहजादियां बन के रह चुकियां मैं बिस्मिल्लाह यही हकीकत गिरी आउंदे दूसरा दरबार अस्कलान दा दरबार ए गल माफी मंग के करदा तुसी कदीमी अदादार बैठे हो मेरा इलाका है किसे दा पुत्र हाँ किसे दा भरा सैयद है माफी पे मंगदा जे किसे दा दिल दुखे तो पहले माफ करे अस्कलान दे दरबार च जितनी मेरियां सैणां नूं तकलीफ होई है ना शाम च होई है ना कूफे च होई है क्यों इस दरबार दा हाकम आई सजी याकूब अस्कलानी ए ओ कुत्ता है जड़ा इस काम कीता है ना यजीद कीता है ना इब्ने ज़ियाद कीता है जड़े ले अली दियां धीआं इस दे तख्त दे सामने आईयां ना ते कुत्ता हस के उठिया ए ओ बेगैरत है जिस उंगली दे इशारे नाल बीबी नूं तू करके बुलाया है मैं सदके बेगैरत आदई जे तू आखिया ते हुसैन बैयत कर लवे आ तू हुसैन नूं बैयत नहीं करन दित्ती तीसरा शाम दा दरबार दुख बड़े ते मैं एक जुमले च इजतमाई दुख दसदा सब तो वड्डा दुख शाम दे दरबार दा ए है कैदां छुट गईयां करबला सलाम करके मदीने आ गए साल भी गुजर गए फिर भी मेरे इमाम बांधे हन ते हाय शाम करके रोंदे हन मैं सदके उठदे हन ते हाय शाम करके रोंदे हन
मैं सदके एक सहाबी आई नाम जिसका आमर रही यही रिवायत पढ़नी है वहन करना है। अल्लाह ने इसनों एक धी दिती नाम इस अपनी धी दात का रखिया शरीयत दी है जड़े ले धियाँ जवान होवन तो उन्होंने अकद करो इस दी धी सन्ने बलोगत न पहुंची इस अपनी धी वास्ते जड़ा कुफ तलाश किया शाह जी उसका नाम जोहैर है मोमन मरदई। मैं बिस्मिल्लाह करा शादी हो गई शरीयत दी है शादी तो बाद जिथे मर्द जिंदगी गुजारे उत्थे औरत जिंदगी गुजारे ए अस्कलान दे रहन अल्लाह अपनी जोजा नू लै के अस्कलान आ गया अस्कलान आया ते इसनू अस्कलान दे दरबार च वजारत मिल गई। अच्छा तलब फितरत है जड़े ले बंदा मसरूफ होवे तो फिर वक्त थोड़ा मिलता है। पहले वक्तन फवक्तन मदीने सईदा दा सलाम करन आंदा हा जदों वजारत मिल गई तो फिर साल बाद सलाम करन आंदा हा थोड़ी हाय निकल जाएगी। जदों पहली बारी सलाम करन आया जोजा नू नाल लैके ते त्रै दिन इमाम दा मेहमान रहा तिना दिनों तो बाद टुरन लगा ते सईदा दा सेवाई जो शजरतुल विदा तक विदा करके आंदे हन शजरतुल विदा ते आके इमाम दे कदमां ते हाथ ला के मौला मौला हुण थोड़ी जात दा बड़ा एहसान है मौला हुण मैं अस्कलान च वजीर हाँ मेहरबानी करो ना मेरे जिम्मे कोई काम लो जा। मैं बिस्मिल्लाह तुझे समझ गयो मैं की पढ़ना चाहना कदीमी अजादार हो दसन की जरूरत ही नहीं। इमाम फरमाए नहीं जोहैर मैं दुआ पे करदा अल्लाह तेरे बख्त सलामत रखे टुर जा वतन वापस आ गया। फिर एक साल बाद जोजा नू नाल लै के मदीने आया आके इमाम दा चार दिन मेहमान रहा टुरन लग्या फिर हजरतुल विदा ते आके ओ पिछले साल वाली गल इमाम दे सामने हाथ बन के पैदा मौला मौला हुण ते बड़ा ही एहसान है मौला मैं इस कलान च वजीर भी हाँ ते मुल्का मुल्का च मेरी वाकफियत है मेहरबानी करो मेरे जिम्मे कोई कम लो। इमाम जड़ी इत्थे गल कीती है ना इस गल दा ते रमज है जे किसे नूं समझ आ गई ते इस च भी मुसाइब है। इमाम फरमाया नहीं जोहैर मैं दुआ करदा अल्लाह तेरे बख्त सलामत रखे टुर जा मैनूं कुछ नहीं चाहिए हाँ सजाद तेरे सामने एक मिन्नत करता है हाथ बन के दम मौला तुसी वारो सो हुक्म करो सैयद अदा नहीं हुक्म नहीं मिन्नत दे तू दरबार चरांदा है तेरी तबीयत नफीस है पानी भर के रखे रस्ते च प्यास ना लग जावी। मैं सदके मैं बिस्मिल्लाह करा मौला सलाम मौला थोड़ी जरा नवाजी सलाम करके आ गया। ये आखिरी जुमला है जिस वास्ते मैं गल शुरू की है हूँ तीसरी बारी इस साल बाद सलाम करन नहीं आया दरबारी बंदा हा ते इसनू दरबार च पता लगन लग पिया हो सकदा है अगले साल 61 हिजरी साड़ी किसे नाल जंग हो जाए। ये सोचा जे जंग हो गई तो मैं सईदां दा सलाम नहीं कर सकता इस तैयारी की जोजा पूछा किथे जा रहे हैं ना दस्या आदा मैं अपने किसे जाती कम जा रहा जे जोजा नू दसदा ते जोजा भी चाचा नाल जिद करनी आई जल्दी सफ़र करके मदीने आया तो एक दिन इमाम दा मेहमान रहा तो टुरन लग्या सैयद फिर शजरतुल विदा ते आए जड़ा सारी गल सुना आए ओदी हाय निकल जाएगी गल मेरी जिक्र सुनने वाले बंदे नाले ए गल देने च रखे इमाम नू शजरतुल विदा ते आ के आदा मौला मेरा सलाम सलाम करके चार कदम चाहे इमाम पिछू टुर पे बाजू ते हाथ रखे आदने हैं जोहैर अज नहीं आखना जो कुछ मंग लै। मैं सदके हाथ जोड़ के आदा मौला मौला दिल मेरा हाई मौला मैं आख्या इस वास्ते नहीं जो हुम्मत तुसी आखो हुण तो एडा अमीर हो गया है हुण तू रसूल दे पुत्रां नूं देना है मौला मेरी जुर्रत नहीं हुई। इमाम फरमाए नहीं जोहैर अज मैं चाहता जो ओ गल दोहरा हाथ बन के आता है मौला हुण तुहाड़ी जात दा बड़ा एहसान है मुल्का मुल्का च मेरी वाकफियत है अस्कलान दे दरबार दा मैं वजीर हाँ मौला मेहरबानी करो ना मेरे जिम्मे कोई कम लाओ अखा वस पईया उसले खून नन रोंदे पानी रो के पिया देने जोहैर जे मेरे ते कोई ये कम करना चाहना है ना ते मिन्नत लावी चवी चादरा बनवा के रखी। मैं सदके मैं बिस्मिल्लाह करा इतना ही मेरा मकसद है। मौला चादरा फरमाया हाँ अदा मौला मौला मैं वजीर हाँ
मौला मैं कीमती चादरां बनवा के रखसा, मौला यमन चू चादरां बनवा के रखसा, मौला अगले साल जदों मैं सलाम करन आवणा है ना तो मैं चादरां नाल ले आसा। जेड़ा बंदा नीयत करके आए मैं मुकान दे आवां, मेरी उस बंदे नाल गल ए इस आख्या मैं अगले साल चादरां नाल ले आसा, रोंदे रोंदे जमीन ते बह गए रो के पिया देने ना आवी अगले साल मैं मदीने कोई नहीं आना। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। अच्छा मौला तुसी ना उसो, मौला हुसैन बादशाह फरमाया नहीं जोहैर बाबे हुसैन भी कोई नहीं आना। अच्छा मौला हुसैन बादशाह ना उसन, जनाबे अब्बास फरमाया नहीं चाचे अब्बास भी कोई नहीं आना। पर मैं मौला अली अकबर फरमाया नहीं चाचा हाशमिया जो किसे भी कोई नहीं आना। हाथ बन के दा मौला मैं जल्दी पे कर दा, थोड़ी मुकान आ गई तो मैं देर क्यों करा। हाथ बन के पे दा मौला, मौला अपनी जोजा थोड़ी नुकरानी मैं आतका नाल लाया सा, हाशमिया घर कोई नहीं ना आना, मैं बाहर इंतजार कर सा, मेरी जोजा अंदर जाके रसूल दियां धीयां नू अमानता देया सी। उसले रो के आ देने ना जोहैर ना रोवा, रसूल दियां धीयां भी घर कोई नहीं आना। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। मौला रसूल दियां धीयां भी घर नहीं आना। फरमाया हाँ। हथ बन कहता मौला मेरे ते नाराज ना हो, मौला मैं अंदर दे माहौल तो वाकफ नहीं, मेरी जोजा तुहाड़ी नुकराणी आतिका मनु अंदर दी गल दसदी है, अद ये रसूल दियां दियां दाइयां दे सहारे नाल मुसल्ले ते जांदियां, मौला उन्हां किथे जाना है। सैयद आदा अगले साल मैं तेरे कोल आसा, दो कदम पिछे हट कहता मौला जड़ियां मां दे मुसल्ले ते दाइयां नाल जांदियां अस्कलान ते इत्थों 1100 मील दा सफर है, उसले इमाम दियां अखां वस पईयां, जोहैर दे गल बई पा के आदे ने ना जोहैर ना रोआ, जे फुफी नाल ना ना होवे अल्लाह दा दीन नहीं बचदा। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। अच्छा मौला, मौला कोई तारीख सैयद आदे 5 रबीउल अव्वल अगले साल मैं तेरे कोल आसा, वादा हो गया, कदमा ते हाथ लाए सलाम कीता टुर गया, जोलियां फैलाओ इबादत मेरे हिस्से दी मुकम्मल है। बुजुर्ग बैठे दुआ करे आए, पहला कदम वेड़े च रखिया ते सामने जोजा दी नजर पई, अदा मेरा सलाम अलैका सलाम, जोहैर आ गए हो? हाँ आ गया। जोहैर किथे गया वें? अदा मदीने। जोहैर अले पासे वेख्या दी जोहैर तू की हो जी या मोमन ने, तू जानदा नहीं मैं रसूल दियां धीयां दी कनीज हां। मैं सदके, मैं सदके, जे मदीने जाना ही तो मैनू भी नाल ले जावे आ, जोलियां फैलाओ जेड़े ले साख्या ना मैनू भी नाल ले जावे आ। जोहैर आदा है मदीने आले सैयद सलाम दें दिया नी, दो कदम पीछे हट के आदि जोहैर तू की हो जी या मोमन, पता नहीं अगले साल किस होना है जे सलाम करना है। आदि जोहैर मैं रसूल दी कसम है मैं अख बंद करनी मैं ना अली दिया दिया कुरान पढ़ दिया नजर आदिया। मैं सदके, मैं बिस्मिल्लाह करा। आदि जोहैर मैनू भी नाल ले जावे आ, मैं रसूल दियां धीयां दा सलाम कर लवा। जोहैर आदा है हुण सलाम वास्ते मदीने जाण दी जरूरत नहीं, मदीने आले सैयद इठाई पियांदे। जेड़ा बंदा सारी गल सुणा है ओदी आए सुनना चाहना, जोहैर आदा है मदीने आले इत्थे पियांदे ने। आदि जोहैर कौन कौन पियांदे? जोहैर आदा है हुसैन बादशाह पियांदे ने, जनाबे सज्जाद पियांदे ने, जनाबे अकबर पियांदे ने, जनाबे अब्बास पियांदे ना, सारे हाशमियां दे नाम चाहे। हाथ बन के आदि जोहैर जेड़े ले सईदा इत्या होना है मैं सईदा दी राज के खिदमत करे सा, जेड़े ले उन्हें वापस जाना है मैं उन्हें दे नाल मदीने वे सा। आदे मदीने क्यों वे नहीं है? आदि है मैं अली दियां दियां दा सलाम मदीने जाके करे सा। उसले जोहैर जमीन ते बह गया, जोजा ले पासे वे के आदे नरुआ अली दियां दियां वी थाई भैया। मैं सदके, मैं सदके, मैं बिस्मिल्लाह करा। आदि जोहैर, जोहैर अली दियां दियां आदे हां। आदि जोहैर मैं नहीं मंदी,
ਅਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲਵੇਂਦੀ ਆ ਜ਼ੁਹੈਰ ਇੱਥੋਂ 1100 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ੁਹੈਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਜਾ ਦਾ ਦਿਆ ਨਾ ਪੁੱਪੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਦੀ ਜ਼ੁਹੈਰ ਜ਼ੁਹੈਰ ਦੱਸਿਆ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਨਿਭਦੀ ਆਦਾ ਦਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਥੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਗਈ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਆਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਹੈਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆਦੀ ਆਇਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ੁਹੈਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ੁਹੈਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਦੀ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਆਦੀ ਵੇਖੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਈ ਮੈਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਣਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਈ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆਲੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਦੀ ਜ਼ੁਹੈਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ੁਹੈਰ ਆਦਾ 5 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਿਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ 5 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਪਿਆ ਸੁਬਹ ਹੋਈ ਜ਼ੁਹੈਰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂ ਆਦਾ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਦੀ ਜ਼ੁਹੈਰ ਦਰਬਾਰ ਬਾਅਦ ਜਈ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਜਰੇ ਜਾ ਜ਼ੁਹੈਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨੱਪ ਕੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਹੁਜਰੇ ਚਾਹੀਏ ਜ਼ੁਹੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਜ਼ੁਹੈਰ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਸਨਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਸੌ ਗਈ ਆ ਆਦੀ ਜ਼ੁਹੈਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮੈਂ ਖਾਬ ਡਿੱਟਾ ਏ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਏ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਦੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ੁਹੈਰ ਆਦਾ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਨਾ ਕਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਦਾ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂ ਜ਼ੁਹੈਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਯਾਕੂਬ ਬੇਗੈਰਤ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜ਼ੁਹੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਰਬਲਾ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆਈ ਆਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗੀ ਮਾਰਾ ਗਈ ਆਇਆ ਆਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਆਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਫਿਰ ਚੱਲਾ ਜਾਈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦਿਓ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬੈਠੇ ਇਦੋਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਬਾਕਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਖਲੋ ਤੇਰੇ ਸਾਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੁਰਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਕਹੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਿਆ ਸੈਯਦ ਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਲਮਾ ਕਹੇ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕਲਮਾ ਕਹਿ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਨਾਨਾ ਦੀਨ ਬਚ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਸਕਲੈਨ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ।